तो यार मैंने आपको अपना गूगल बैंगलोर ऑफिस दिखाया हुआ है, गूगल गुड़गांव ऑफिस भी दिखाया हुआ है, आज आपको दिखाते हैं गूगल हैदराबाद ऑफिस। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हैदराबाद में कैसे आ गया, तो मेरी छोटी बहन माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में काम करती है एंड मैं उससे मिलने के लिए आया हुआ था, तो सोचा कि यार अपना भी ऑफिस देख लेते हैं। ऑफिस में घुसते ही आई रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो क्यों ना शुरुआत लंच से करते हैं। तो फाइनली ये है मेरी प्लेट, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ फुल कर लिया था, फिर मेरी नज़र पड़ गई इस पिज़्ज़ा पे, मैंने इसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना ली है। इसका स्वीट्स भी खाएंगे। तो हमेशा की ही तरह बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग खाना था। वैसे तो यहाँ पर दो किचन्स हैं, एक किचन मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, फिलहाल अभी हम लोग अपनी प्लेट पर फोकस करते हैं और आज मैं थोड़ा सा चिल मोड में भी हूँ बिकॉज मैंने आज की छुट्टी डाली हुई है। अब यार ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने गूगल यूएस वाले ऑफिस में देखी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि हैदराबाद में भी है, तो एक ट्राई तो बनता है। फिर इसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया और मुझे वहां पर दो बहुत ही विंटेज व्हीकल्स दिखे। लगता है गूगल में मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं, तो यहाँ पर आपको रावण दिख जाएगा, कुली दिख जाएगा, उसके बाद पीके है, जोधा अकबर, और भाई साहब इस गाड़ी के अंदर देखिए, मतलब एक सीट तो उल्टी लगी हुई है और एक सीट गायब है, लेकिन है बहुत ही क्लासी। इसके साथ भी मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँगा, बहुत तगड़ी पिक्चर्स आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूवी फैंस। सो दिस इमेज इज एक्चुअली साइंड ओरिजिनली, यहाँ पर ही इसको साइन किया गया था। अभी यहाँ पे माइक्रो किचन्स ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहे थे, और इतना चलते चलते मुझे स्नैक्स खाने का मन भी कर रहा था, देन आई सॉ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यार मेरी जो गुड़गांव वाली गूगल की वीडियो थी उसमें आपने संजू को देखा होगा, और संजू मुझे कोइंसिडेंटली हैदराबाद में भी मिल गए हैं। हेलो। तो ऐसे जस्ट वॉक करके जा रहे थे, मैंने कहा तो संजू लग रहे हैं हैदराबाद में कैसे, तो देखो तो हम यहाँ पे भी मिल गए। डेस्टिनी, बहुत अच्छी डेस्टिनी है यार, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस यार, अभी हमें सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर बहुत ही बढ़िया सा एक मॉडल है ट्रेन का, बिल्कुल वैसे ही घर बना रखे हैं, और अगर आप इस चीज़ को पहचान पाएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसने अच्छे से हैदराबाद एक्सप्लोर किया होगा वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएगा। हमने दो फ्लोर एक्सप्लोर कर लिए हैं, हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, देखते हैं इसमें क्या क्या है।
अगर आपके भाई को भी डांस करना आता नहीं है और ना कभी सीखने का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स बहुत क्लासी आती हैं। मैंने बैंगलोर के ऑफिस में भी देखा, एकदम बढ़िया ऊपर से लाइट ड्रॉप होती है और जो क्लिक करना आती है ना, बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर। अब यार मेरी दोस्त जो मुझे ऑफिस टूर करा रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना नैप रूम्स हैं गर्ल्स के लिए जो कि बहुत सुंदर हैं। तो मैंने कहा यार आप ही शूट करके ला दो। यार ये है 5th floor का कैफेटेरिया और अभी बिल्कुल खाली है बिकॉज अभी कोई खाने का टाइम नहीं हुआ है। बट लुक एट द एम्बियंस, इट इज गेटिंग रेडी फॉर द डिनर। सो दिस इज द 5th floor और हर फ्लोर की थीम थोड़ी सी अलग है। ओह इंटरेस्टिंग, यहाँ पर भी एक रिक्शा खड़ा हुआ है जिसमें लॉक लगाया है। तो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है अभी मुझे, मैं यहाँ पर बैठा हुआ फोटोज़ क्लिक कर रहा था और मुझे कुछ इंटर्न्स ने पहचान लिया यहाँ पर। एंड हियर वी हैव, अपना अपना नाम बता दो जल्दी जल्दी से। शुभम, आयुषी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गूगल में इतना कुछ मिलता है खाने के लिए, तो ये लोग फिट कैसे रहते हैं, तो देखिए आपको दिखाते हैं जिम। सो दिस इज़ दी कोहिनूर कैफेटेरिया एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफेटेरियाज। सो मैं दिखाते हैं आपको। आई थिंक स्नैक्स टाइम हो गया है, तो स्नैक्स चालू हैं। तो यार गूगल में मूवीज के शौकीन तो होते ही हैं, साथ ही साथ किताबों में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही पीसफुल सी लाइब्रेरी भी है। दिस इज़ दी थिएटर रूम, यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती हैं एंड या द स्पेस इज़ वेरी बिग। सो दिस वॉज दी गूगल हैदराबाद ऑफिस। आई होप आप लोगों को ऑफिस बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऑफिस का पूरा टूर करके। एंड अगर आपने मेरा गुड़गांव और बैंगलोर वाला ऑफिस नहीं देखा है, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अब जाते जाते ना यहाँ से स्नैक्स करके निकलते हैं। हमारे पास में दही बड़े और भेलपूरी, हम लोग निकल रहे थे, जाते जाते स्नैक्स टाइम हो गया, स्नैक्स करके निकलते हैं।